Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने लिए इस रमजान शरीफ के महीने में 2 या 5 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, कम से कम अल्लाह पाक के एक नामे मुबारक की एक तस्बीह तो पढ़ ही सकते हो। अगर आपको अपने लिए 5 मिनट का वक्त ना निकाल पाए हैं तो बेकार है जिंदगी। 18 रमजान यानी के जुम्मे के दिन के कुछ खास वजीफे इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे और ये वजीफे बहुत रिसर्च करके आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। 2 से 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस वजीफे को करने में, लेकिन इसके फायदे इतने हैं, अगर कोई शख्स रमजान शरीफ के इस महीने में जुम्मे के दिन इस वजीफे को कर लेता है तो इंशाल्लाह उसको पूरे साल इसकी रहमतें और बरकतें मिलती रहती हैं। इसका तरीका भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर कोई आसानी से इसे कर सकता है। इसके फायदे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वजीफे को करने के कुछ खास फायदे आप लोग जान लीजिए। आजकल हमारी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है हमारी दुआएं, हमारी हाजतें से पूरी ना होना। तो अगर आप जुम्मे के दिन इस वजीफे को करते हैं तो इंशाल्लाह आप जिस भी नियत से इस वजीफे को करेंगे, एक तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप दिल में जो भी इरादा रखेंगे अल्लाह के रहमो करम से आपका वो इरादा फौरन पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसी वजीफे में एक नामे मुबारक ऐसा भी है जिसको पढ़ने से फरिश्ते पूरी साल आपकी हिफाजत करते हैं। जब फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं पूरे साल, तो शायद पूरे साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको कोई भी काम में कामयाबी ना मिले। अब से 2 या 4 या 6 महीने बाद आप जो भी काम करने निकलोगे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। बस एक बार आपको इस वजीफे को करके भूल जाना है, आप पूरे साल इसकी रहमतें और बरकतें पाते रहेंगे। इसको करने की कुछ और भी फायदे हैं, वो हम वीडियो के आखिर में आपको बयान करेंगे। पहले आप वजीफे का तरीका समझ लीजिए। इस वक्त हम रमजान शरीफ के 18वें रोजे में हैं। दिन है जुम्मे का, रमजान शरीफ का तीसरा जुम्मा भी आप इसे कह सकते हैं। सिर्फ आज रात का वक्त है आपके पास इस वजीफे को करने के लिए। जुम्मे के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आप हर काम से फारिग हो, कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो, तो आप जा नमाज पर बैठ कर शुरू में 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें। दरूदे पाक आप जो नमाज में पढ़ते हैं यानी कि दरूदे इब्राहिम आपको 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको दरूदे इब्राहिम याद नहीं है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ये भी एक छोटी दरूद शरीफ है। उसके बाद या सलामो या सलामो या सलामो को 33 मरतबा पढ़ना है। इसका मायना है सलामती करने वाला। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें। इतना वजीफा करने के बाद आप अपने सीने पर दम कर लें। इस वजीफे को करने से आप इंशाल्लाह पूरे साल हर बुरी चीज से महफूज रहोगे, यानी कि अल्लाह आपको हर बुरी चीज से महफूज रखेगा। अब वो चाहे आपके दुश्मन हो, बुरी नजर हो, कारोबार में बंदिश हो, या फिर कोई भी बुरी चीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ये तो हो गया आपका पहला वजीफा। अब दूसरा वजीफा आप ध्यान से सुन लीजिए। इस वजीफे को भी आप जुम्मे के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपको शुरू में 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है, जैसे कि हमने शुरू में बताया है। उसके बाद आपको या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या सलाम इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह आपको कंटिन्यू पढ़ना है या अल्लाह या सलाम। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़े। दरूदे पाक वही पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा करने के बाद आप अपने सीने पर दम कर ले। इस वजीफे की फजीलत भी आता है अगर कोई शख्स रमजान शरीफ के जुम्मे को इस वजीफे को करे और उसके बाद अपने सीने पर दम कर ले तो इंशाल्लाह फरिश्ते पूरे
अनुसार हर बुरी चीज से उस इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि जिस इंसान की हिफाजत फरिश्ते खुद करते हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप पूरे साल हर बुरी चीज से महफूज रह सकते हैं। तो हमारी माँ बहने इस वीडियो को देख रही हैं, वो इस अमल को करके अपने शोहर अपने बच्चे को सीने पर दम करें, इंशाल्लाह इससे उन्हें बहुत फायदे मिलेंगे। ये तो हो गया रमजान शरीफ के तीसरे जुम्मे का दूसरा वजीफा। अब तीसरे वजीफे के बारे में भी जान लेते हैं। इस वजीफे को आपको रमजान शरीफ के महीने में जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद करना है, यानी कि असर की नमाज से फारिग होने के बाद मगरिब की अजान से पहले पहले इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या हय्यू या कय्यूम बिन रहमती का अस्तगीस, इसको 21 मरतबा पढ़ना है। आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक वही पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा है। जानते हो इसके क्या क्या फायदे हैं? इसकी फजीलत में आता है, अगर कोई शख्स रमजान शरीफ के महीने में जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद इस वजीफे को करके अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे, जो भी उसकी जुबान से अल्फाज निकल जाए, तो इंशाल्लाह वो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाती है। आप खुद अंदाजा लगाइए, रमजान शरीफ का बाबरकत महीना, ऊपर से ईद से भी ज्यादा मायने रखने वाला जुम्मे का दिन और फिर अल्लाह पाक की इबादत, जब आप इस वजीफे को करेंगे तो इसका मजा क्या होगा। रमजान शरीफ के जुम्मे के ये 3 वजीफे हैं जिनको आपको खुद भी करना है और दूसरों को भी बताना है। हमने ये वीडियो आप तक पहुँचा दिया, अब हमारा काम हुआ खत्म। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग की वजह से और लोग भी रमजान शरीफ के जुम्मे को अल्लाह पाक की इबादत कर पाए। अगर आपकी वजह से किसी भी बंदे ने इनमें से एक भी वजीफा कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने।